ज्यादा मोबाइल चलाने या फिर उस पर गेम खेलने के दौरान हुई मौत में एक कड़ी और जुड़ गई। इस बार पबजी गेम खेलते खेलते देवास के 11वीं क्लास के छात्र दीपक ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि दीपक मोबाइल पर पबजी गेम खेलते खेलते अचानक चिल्लाया और दम तोड़ दिया। घटना देवास के औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाना इलाके के शांतिनगर अमोना की है। बताया जा रहा है कि दीपक पिता रमेश चंद्र राठौर उम्र 18 वर्ष निवासी शांतिनगर अमोना जो कि एक पैर से दिव्यांग था और कक्षा 11वीं का छात्र था अपने घर पर मोबाइल पर गेम खेल रहा था। तभी वह अचानक जोर से चिल्लाया और गिर गया। इस दौरान परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, तब तक उसकी मौत हो गई थी। औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने अज्ञात कारणों को लेकर मर्ग कायम करके मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल युवक के शव का जिला अस्पताल में पीएम किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि युवक की मौत कैसे हुई। मृतक के परिजनों ने बताया कि दीपक अक्सर पबजी गेम खेलता था और पिछले 2-3 दिनों से कुछ ज्यादा ही मोबाइल देख रहा था। हाल ही में उसने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की और 11वीं कक्षा में पहुंचा था। परिजनों ने बताया कि वह दूसरे गांव किसी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। घर पर मौसी के साथ छोटे बच्चे थे। मौसी भी घर के बाहर कुछ सामान लेने गई थी। फिलहाल पुलिस अभी मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही स्पष्ट बताने की बात कह रही है और पबजी गेम मौत का कारण होने को लेकर कोई भी ऐसी बात नहीं कह रही है। दीपक सन ऑफ रमेश चंद आए 18 वर्ष का लड़का है। परिजन बता रहे हैं कि पबजी कुछ खेल रहा था, खेलते खेलते एक्सपायर हो गया है। हमने पीएम कर दिया है, विसरा भेजा है। विसरा रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कारण क्या है। कुछ नहीं, घर पर तो कोई था नहीं, छोटी भांजी थी तो वो बता रही थी घर पे के, बोले कि गेम खेल रहा था पबजी गेम। तो मौसी का समय होता आने का 3:05 पे घर पे, तो उनने भांजी ने बोला कि मामा दूध लेके आ जा, तो बोला कि जा जाऊँ गेम खत्म कर, इतना बोल के वो लेट गया पलंग पे। उसके बाद में फिर एकदम बोलती बंद हो गई। अधिकतर खेला करता था गेम? हाँ, अधिकतर गेम खेला करता था। ठीक है, दो दिन से घर पे कोई नहीं था तो ज्यादा खेल रहा। क्या कौन है ये? छोटा भाई। क्या नाम है? दीपक। दीपक नाम। क्या करता था ये? कुछ दिन घर पे रहता था, पढ़ाई करता था। हाँ, कहीं नहीं, हम तो गांव में पढ़ाई कर रहा था। क्या की पढ़ाई कर रहा था ये? स्कूल जाता था। हाँ, आठवीं में जाता, पढ़ाई करता था। फिर क्या हुआ? नहीं, हम तो गांव पे गए थे मुक्ते में। हाँ, और ये गेमिंग खेल रहा था कि आप अंदर गेमिंग खेल रहा था, एकदम चिल्ला। हाँ, बता रहे थे घर के पास वाले, एकदम चिल्ला। और अच्छा, कौन सा गेम खेल रहा था मालूम है आपको? पबजी खेल रहा था। हमेशा खेलता रहता था क्या ये? हाँ, खेलता रहता था कभी कभी, क्योंकि मैं बहुत पेड़ से विकलांग था, जाता तो यही नहीं था। हाँ, तो घर पे बैठा बैठा खेलता रहता था। जैसे आप बता रहे हो पबजी खेलता था, आपने देखा उसको पबजी खेलते हुए? देखा ना, देखा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।